चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का काफिला सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यहां से गुजरता हुआ आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और लेट व्लॉग आने पर माजरत, बिकॉज ट्रैवल कर रहा था और अभी घर पहुंचा हूं। तो आप लोगों को अगर लगता था कि आज का व्लॉग मिस हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, ना आप लोगों का गुजारा है ना हमारा आपसे बातचीत किए बिना। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, बल्कि आज का मिनी व्लॉग शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं फिरा तो इसलिए सुनी सुनाई खबरों के ऊपर मैं आपको कोई ऐसी एग्जैजरेट करके खबरें नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ जो मैंने सुना उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया कर लेते हैं। आज की दो बड़ी खबरें, एक तरफ बांग्लादेश से आने वाली खबर और दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वाला सुनामी, यानी सवाबी से सुनामी जो टकराया उसकी उसके बाद की सूरत हाल। वैसे मीडिया के ऊपर तो उसका ब्लैकआउट रहा, यानी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं उसको मिली जिस तरह से पीटीआई के इवेंट्स को पहले मिला करती थी। पहले तो ये होता था ना कि जनाब काफिले चल पड़े तो काफिले पहुँच गए तो माहौल क्या है, तो रिपोर्टर्स खड़े रहते थे जलसागाह में और वहाँ से लाइव कवरेजेस हो रही थी, लेकिन इस वक्त बस हल्की फुल्की सी कवरेज, वो बस टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे, बल्कि मैं तो लाइव ट्रांसमिशन नहीं देख सका इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं हुई। एनीवेज सोशल मीडिया के ऊपर तो कवरेज हो रही है। तो दो इवेंट्स थे, बांग्लादेश का इवेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस हो रहा है, कोई तकरीबन बताया जा रहा है 36 दिनों का एहतजाज था तुलबा का, और तुलबा तहरीक के 36 दिनों के एहतजाज के नतीजे में बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली, तवील तरीन हुकूमत करने वाली हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया गया। वहाँ पर 36 दिन की तहरीक और पाकिस्तान में क्या हो रहा था 365 दिन, यानी 36 के आगे 5 लगा दे, 365 दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के मुकम्मल होने पर आज का जो भी सुपर शो हुआ, जैसा भी हुआ, ये आप लोगों ने बताना है जो सोशल मीडिया पर आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं। चूँकि मैं मौके पर प्रेजेंट नहीं था इसलिए मैं असेस नहीं कर पा रहा कि कितना बड़ा क्राउड था, कितने लोग थे, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, लेकिन इनिशियल जो आप लोगों ने देखा, कभी आप भी बताया करें अपनी राय, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा रहा आज का शो। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो हमने अभी तक एरियल व्यूज देखे हैं, उनमें तो लग रहा है कि अच्छा क्राउड था, और ऑब्वियसली 365 दिन मुकम्मल हुए थे, पीटीआई की क्यादत भी पूरी तरह से चार्ज थी, मतलब कोशिश कर रही थी, इस बार एनर्जी लगाई गई है, और अवामी सतह पर भी काफिले चुके मुल्क भर से निकले थे, तो ये ऐसा नहीं था कि ये कोई नाकाम जलसा हो जाता। ऑब्वियसली इसमें जान थी, इसमें लोगों ने आना ही आना था, सेंटीमेंट्स इमरान खान के हवाले से क्या थे 365 दिनों के हवाले से, तो मैं कुछ फुटेजेस थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो विजुअल्स उस वक्त रिकॉर्ड हुए थे वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो उनको लेके जाया जा रहा था दिखाता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन पहले थोड़ी सी बात ये बांग्लादेश वाले मामले के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो आपके सामने हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जियो की मैं एक हेडलाइन देख रहा था, और डिस्कस इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो है वो बांग्लादेश से भी हैं, हमारे बांग्लादेशी भाई जो हैं वो भी इस व्लॉग को सुनते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ी सी चीज़ें शेयर करनी है, और अगर वो सुन रहे हैं तो वहाँ पे पता नहीं इंटरनेट एक्सेस है या नहीं, वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जियो की मैं एक हेडलाइन देख रहा था, मुमासलत का आपने ख़ुद बताना है कि किस हद तक मुमासलत है पाकिस्तान के हालात में, बांग्लादेश के हालात में, अल्लाह ना करे कि उस किस्म की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए यहाँ पर, उससे पहले पहले ही चीज़ें बेहतर हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हेडलाइन थी वो अगर उसमें हसीना वाजिद का नाम बताया गया हो, बाकी सारी चीज़ें ना बताई गई हों, तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हो रहा है वो, उनमें सिमिलैरिटीज़ कैसी हैं वो आप ज़रा देखिए। जियो की हेडलाइन, अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, उसके बाद वो कहते हैं मुखालफीन के ऊपर पाबंदियाँ, कैदोबंद के हथकंडे, इजहार राय और सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल भी हसीना वाजिद के काम नहीं आया। यानी ये सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर किया, अपने मुखालफिन को जेलों में डाला, कैदोबंद के हथकंडे इस्तेमाल किए, इजहार राय की आज़ादी को दबाया, सोशल मीडिया को दबाया, इंटरनेट बंद किया, और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद भी, मतलब ताकत जितनी भी इस्तेमाल हो जाए, एट द एंड उसका कहीं ना कहीं इस तरह का ही अंजाम देखने में आया। ताकत और भी बहुत सारे लोगों के पास थी, तो हमने देखा माजी में कई हुक्मरानों ने इसका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें कैसे भागना पड़ा। ये हसीना वाजिद के पास जो पावर रही, मतलब आप इमेजिन करें
कोई 70 बरस से उम्र इनकी, 70 बरस से जायद की उम्र है, 76 साल खातून है और ये 2009 से मुसलसल इकतदार में है। 16 बरस तक इन्होंने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा तवील तरीन हुक्मरान रहने का, हुक्मरान खातून रहने का। और इस दौरान इन्होंने जितनी पावर अपने पास रखी उसका फिर हालिया दिनों में जो इंतखाबात हुए बांग्लादेश में उसमें गलत इस्तेमाल किया गया, अवामी राय के बरक्स हुकूमत बनाई गई एंड सो ऑन। और उसके बाद ये अवामी ताकत को नहीं हटा सके, नहीं दबा सके और महज 36 दिन की जो तुलबा तहरीक थी उसके नतीजे में इनकी हुकूमत का एक तरह से खात्मा हुआ। अब तुलबा जो है वो काफ़ी जश्न मनाते फिर रहे हैं, पूरी सड़कों के ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको और उनको बैक करती नज़र आ रही है वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो। और उन्होंने जिस तरह से आज एक रोल प्ले किया जिसके नतीजे में हसीना वाजिद को फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। और फिर इससे भी इंटरेस्टिंग एक और ज़रा सिमिलैरिटीज़ जो मैं आपको कहता हूँ ना, कभी कभी थोड़ा सा मुवाजना कीजिए कि इस सारे सरकमस्टांसिस में हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी खालदा ज़िया उनको भी रिहा करने का हुक्म दिया गया। 2020 में उनको 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी तो आज उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं बांग्लादेशी सदर की जानिब से। मतलब पहले वो अबूरी सेटअप की तश्कील वाला सारा मामला वो निपटाते रहे और उसके फौरी बाद जो पहला ऑर्डर आया वो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म जिनको नज़रबंद किया गया या कैद किया गया या जिनको हाल ही में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई उनकी रिहाई का ऑर्डर जारी करना पड़ा। तो ये इस वक्त बांग्लादेश की सारी सियासी सूरत हाल है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या हो रहा है। और अब वापस आते हैं ज़रा पाकिस्तान के हालात पे। पाकिस्तान में भी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो पनपने की कोशिश करती है लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो हालात हैं ख़ास तौर पर आफ्टर 9th में, उसके बाद से वो तहरीक उस तरह से जन्म ले नहीं पाई क्योंकि खौफ की फ़िज़ा कुछ ज़्यादा बन गई, मुकदमात और फिर गिरफ्तारियां और जैसे ही कई लोग निकलने लगते हैं तो फिर वो दफ़ा 144 और पता नहीं वो कितनी बार लगती है और कितनी बार हटती है और फिर दहशतगर्दी के मुकदमात और फिर ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला कंटिन्यूसली जारी है। तो इस वजह से वो स्पेस क्रिएट ही नहीं हो पाई अभी तक कि कोई मास मूवमेंट उस तरह से शुरू हो पाती। लेकिन आज एक डेमोंस्ट्रेशन देखने में आया सवाबी जलसे के हवाले से और ऑब्वियसली लोगों के सेंटीमेंट्स मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, इमरान खान के हवाले से उनको एक साल कैद करने के हवाले से जिस किस्म के थे तो उनका एक तरह से इजहार किया गया। इस जलसे में वैसे तो मुल्क भर से काफ़िले आए, जो एरियल व्यूज़ हमने देखे हैं अच्छी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, अच्छी प्रेजेंस है। जो मुखालफिन है वो तो जारी बात है कहते रहेंगे कि देखें जी इधर तंबू कनाते लगा के छोटी सी जगह के ऊपर जलसा किया एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा लोग। ऑब्वियसली जब इमरान खान ग्राउंड में हो इट्स टोटली डिफरेंट सिनेरियो वर्सेस जब बाकी बेशक आप पूरी पीटीआई की लीडरशिप को खड़ा कर दें वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर आपने मुकाबला करना है या अगर आपने ये देखना है कि पीटीआई के पास कितने लोग आते हैं या पीटीआई के जलसे में कितने लोग आते हैं, इमरान खान को निकाल के एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर आप बंदे गिनते रहिए, बेशक जिसकी मर्ज़ी ड्यूटी लगाएं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल सुनामी होता क्या है। लेकिन इमरान खान के बगैर, मतलब जिसको कहते हैं कि ये पूरी पीटीआई है, मतलब इमरान खान इज़ पीटीआई, इन पीटीआई इज़ इमरान खान, अगर इमरान खान नहीं है तो उसके बगैर भी ये जो आज शो हुआ ये काफ़ी अरसे के बाद मतलब इस तरह के विजुअल्स नज़र आए जिसमें चार्ज क्राउड नज़र आया, जिसमें पूरी लीडरशिप नज़र आई, जिसमें एरियल व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ जलसा जिस तरह से पहले उनका होता है जिसमें सुनामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पावर शो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उस किस्म का एक वाइब जो है वो क्रिएट करने में पीटीआई किसी हद तक कामयाब रही। इस जलसे में हमाद अज़हर सामने आए और उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया, दो ऐलान उन्होंने किए हैं बड़े अहम। एक तो उन्होंने अपनी रूपोशी जो है वो ख़त्म कर दी और कहा कि मैं मंजरे आम पे आने का ऐलान करता हूँ, कल को गिरफ्तार हो जाऊँ, मिसिंग पर्सन हो जाऊँ और मेरा कोई बयान ऐसा सामने आ जाए तो वो मेरा बयान नहीं है, मैं हल्फन आज भी कहता हूँ कि इमरान खान के साथ था, हूँ और रहूँगा। तो इस किस्म की स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई एंड देन फिर अडयाला जेल की तरफ उन्होंने एक कॉल का हिंट दिया कि अगर सेप्टेम्बर तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से मामला बेहतर नहीं हुए तो फिर अडयाला जेल की जानेब एहतजाज की कॉल। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इन चीज़ों को वो ये है कि फॉर एग्जांपल पीटीआई के आज जितने भी लोग थे सवाबी से, ये फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए निकल पड़े कहें कि जनाब हम अडयाला जेल जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो अडयाला जेल को डी चौक के ऊपर तो है नहीं, अडयाला जेल रावलपिंडी में और रावलपिंडी के भी बिल्कुल आखिर में कहीं कोने पर जाके वो बहुत दूर जाके कहीं अडयाला जेल। फ़र्ज़ करें कि अगर ये काफिले किसी वक्त निकल भी पड़ते हैं जनाब हम अडयाला जेल के बाहर पहुँचेंगे तो क्या इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के किसी और जगह मुंतकिल करना ये कोई मुश्किल काम होगा?
कुछ लोगों के लिए जो जो चाहते हैं कि वो जेल में रहें या वो आवाम की पहुंच से उन्हें दूर रखना हो जिन लोगों ने, क्या उनके लिए मुश्किल होगा? नहीं। तो इसलिए अडयाला जेल में जाने की बजाय या उस तरफ जाने की बजाय अगर स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है तो उसका कोई और मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ये ना हो कि इमरान खान को अडयाला जेल से उठाएं और फिर किसी और जेल में भेज दें तो ये सिलसिला जो है वो फिर चलता रहे, सो ऑन, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, ये जो 365 दिन हुए हैं आज, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? बेसिकली 5 अगस्त को हम उसी अदालत में मौजूद थे जब फैसला सुनाया गया तोशाखाना का और उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए। इधर से फैसला सुनाया गया, जिन लम्हात में फैसला सुनाया गया एग्जैक्ट उन्हीं लम्हात में जमानपा के अतराफ़ में सारी एक तरह से नाकाबंदी हो रही थी या हो चुकी थी और चंद ही लम्हात के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। वो जिस तरह से आई, सारे चीज़ें जो हैं वो CCTV फुटेज और कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, और उसके बाद फिर उन्हें मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हुआ लाहौर से अटक जेल की जानिब। तो उस वक्त हम वहाँ पर मौजूद थे जब उनके काफ़िले को लाया गया, तो वो उस वक्त की मेमोरी पड़ी हुई है मेरे पास जब उनका काफ़िला लाया जा रहा था। तो ये विजुअल्स आप देखिए, जिस दिन इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, मैंने बैरिस्टर गौहर से पूछा था ये क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि आप कितनी देर में इमरान खान को रिहा करा लेंगे? तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह अगस्त के महीने के अंदर अंदर हम उनको रिहा करा लेंगे। ये उनकी उस वक्त की उम्मीदें थी या उनकी राय थी या उनका ख्याल था कि हम फाइट बैक करेंगे लीगल तरीके से और उनको निकाल लेंगे, लेकिन वो अगस्त भी चला गया और फिर अब एक और अगस्त आ गया। तो इमरान खान ने एक यौम आज़ादी पहले जेल में गुजारी, अब एक और यौम आज़ादी आने जा रही है। तो देखते हैं फाइट बैक का ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, क्या क्या आगे देखने को मिलता है। दुआ ये है कि जो भी हो अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और कुछ अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए, इन अ सेंस के चीज़ें कंट्रोल में वापस आने लगें, थोड़ा नॉर्मलाइज चीज़ें होने लग जाएं। अगर बांग्लादेश में ये सिचुएशन है, इनको नॉर्मलाइज होते 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 बहुत टाइम लग जाएगा गवर्नमेंट को स्टेबल होने में, आगे चलाने में निज़ाम। ये बड़ा एक धचका है उनकी उनके मुल्क के लिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है गवर्नमेंट चली गई तो सारा कुछ अच्छा ही अच्छा है, बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है। उन्हें भी टाइम लगेगा इस रिकवरी मोड में आते आते और फिर उससे रिकवर होते होते भी। तो इसलिए हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम करे और जल्द अज़ जल्द ये हालात ठीक हो, जिसमें ये केओस जैसी सिचुएशन, जिसमें ये हर टाइम फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल जो है ये कहीं ख़त्म होना चाहिए। लोगों को इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, कहने की आज़ादी होनी चाहिए, इस नहज तक मामला जाना ही नहीं चाहिए कि आप किसी की कही हुई बात को बर्दाश्त ना कर सकें और उसको रोकने के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल हो। और फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये एक जगह पर रुकता नहीं है, फिर जितना दबाएँगे उतना वो स्प्रिंग की इफ़ेक्ट की तरह फिर आएगा, फिर उसको काबू करना मुश्किल हो रहा है। एनीवेज आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक के लेते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। चेयरमैन PTI इमरान खान का काफिला कुछ देर में मोटरवे टोल प्लाजा पर पहुंचने वाला है और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार रिसीव करने के लिए यहां मोटरवे टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। ओके जी, तो चेयरमैन PTI इमरान खान का काफिला इस वक्त टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुँच चुका है और पुलिस की जो नफरी यहाँ पर स्टैंड बाई थी वो बिल्कुल अलर्ट हो गई है और टोल प्लाजा से अब मैं इमरान खान साहब का काफ़ला यहां पर आते हुए देख पा रहा हूं। ये काफ़िला है इमरान खान का, सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में उन्हें लेके यहां से आगे बढ़ना है पुलिस ने। चेयरमैन PTI इमरान खान का काफ़िला सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यहां से गुज़रता हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ से जो इस्लामाबाद की रिज़र्व नफरी थी वो स्टैंड बाई पर थी, अब वो भी उन्हें लेके यहाँ से रवाना हो रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान अब अडयाला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजर आप देख रहे थे, यहाँ पर पुलिस की नफरी पहले से मौजूद थी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो टोल प्लाजा से अब इमरान खान अडयाला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। इमरान खान का काफ़िला गुज़र चुका है लेकिन उसके बाद अभी भी उनके पीछे जो रिज़र्व नफरी थी सिक्योरिटी के लिए, ये शायद डॉल्फिन फोर्स है, इनको देख सकते हैं आप, और अभी तक पीछे से नफरी जो है वो आ रही है, शायद कवर अप सिक्योरिटी नफरी थी। तो स्टिल ये भी इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ रही है।
अभी तक पीछे भी है। We'll be right back.